हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं गाइस। आज हम बनाने वाले हैं यूट्यूब लोगो। चलो वीडियो को शुरू करते हैं, कैसे यूट्यूब लोगो बनाते हैं। गाइस हम पिक्सेल ऐप एप्लीकेशन का यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हमें इंपोर्ट में जाएंगे। इंपोर्ट में क्लिक करने के बाद अपने डिवाइस में चले जाएंगे, जहाँ पर आपने डाउनलोड कर रखा है PNG फाइल। यहाँ पर लेने के बाद देखिए मैंने आगे यहाँ पर कलेक्ट कर देंगे। कलेक्ट करने के बाद यहाँ पर रखने देंगे, एक सर्कल लेंगे। इसके बाद सर्कल को ऐसे रेडियस में कर लेंगे। रेडियस में करने के बाद क्या करेंगे, टेक्स्चर लेंगे। टेक्स्चर पर यहाँ पे नीचे स्क्रॉल कीजिए, टेक्स्चर पे जाइए। टेक्स्चर पर जाने के बाद टेक्स्चर पे क्लिक करने के बाद अपने डिवाइस में फिर से चले जाएंगे। आप यहाँ पे जो आप मैं एक थीम लेकर रखा, हमने स्क्रीन शॉट ले कर रखा है, तो उसको मैं उसके ही ले लूँगा। मैं यहाँ पर मैं इसको थोड़ा क्रॉप कर लेता हूँ। यहाँ से क्रॉप करने के बाद डन कर देता हूँ। ये देखिए इसका ये आ गया है। अब क्या करेंगे, इसको मैं बैक कर दूँगा। इसको हम बैक कर देंगे। बैक करने के बाद यहाँ पे सेट कर देंगे। सेट करने के बाद क्या करें, इसको आप पूरे को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप फिर से टेक्स्चर लेंगे। यहाँ टेक्स्चर पे क्लिक करते हैं। टेक्स्चर पे क्लिक करने के बाद फिर इस इमेज को क्लिक करते हैं। इमेज करने के बाद फिर इसको क्रॉप कर लेंगे अच्छे से। ये डन हो चुका है गाइस। देखिए हमारा जो लोगो था वो परफेक्टली बन चुका है। अब क्या करना है, इन दोनों को हम मर्ज कर लेंगे। तो ये मर्ज करने के लिए यहाँ पे करेंगे इसे, यहाँ मर्ज पे साइन दोनों टिक कर लिया। टिक करने के बाद इसको यहाँ पे मर्ज कर देंगे। यहाँ से यहाँ ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद यहाँ से इसको बंद कर दीजिए। बंद करने के बाद क्या करना है, हमें थ्री हमें एक इंपोर्ट में फिर से जाना है। इंपोर्ट में आपने जो इमेज डाउनलोड करके रखा हुआ है उसको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो मैंने यहाँ पर एक लोड करके रखा हुआ है PNG फाइल, तो ये मैं इसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैं यहाँ पर ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद अब इसको मैं 3D फॉर्म में करना है, तो 3D फॉर्म के लिए स्क्रॉल करेंगे, 3D फॉर्म में आ जाएगा। तो थोड़ा इसको ऐसे ये 31 डिग्री पे कर दिया एक्सेस पे, तो थोड़ा इसको ऐसे मूव कर देंगे जी। ये डन हो चुका है। आप क्या करेंगे, थोड़ा इसको बड़ा कर लेंगे। बड़ा करने के बाद अब इसको बैक कर देंगे, इसको पीछे कर देंगे। पीछे करने के बाद अब इसको जो यूट्यूब का लोगो था इसको हम क्या करेंगे, अब इसको 3D फॉर्म में करेंगे। तो इसको हम ऐसे इसी जैसे मैंने इसको किया है, तो इसको गाइस अब क्या करेंगे, थोड़ा इसको बड़ा कर लेंगे। हम यहाँ बड़ा कर लेंगे थोड़ा सा, इसको सेट कर देंगे। अब सेट करने के बाद जो बड़ा इमेज हमने लिया था प्लेट का, उसको क्या करेंगे हम 3D फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे कर देंगे, 3D फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। अब क्या करना है, हमें एक टेक्स्ट ऐड करना है। कैसे, सपोज अपने चैनल का नाम, कोई अपना ब्रांड का नाम, कोई कंपनी का नाम आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो मैं अपने चैनल का नाम यहाँ पर डालूँगा। तो यहाँ पर मैंने इसको टेक्स्ट एक ऐड कर लिया है। तो यहाँ पर टेक्स्ट एडिट पर जाएंगे। एडिट पर जाने के बाद अपने चैनल का नाम लिख देंगे। यहाँ पर इसको डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद 6A6 अब मेरे हाथ चैनल का नाम है। तो यहाँ पे ऐसे डन कर देंगे। यहाँ पे क्लिक, यहाँ पे ओके। ओके करने के बाद यहाँ पे इसको अच्छे सेट करना है। क्या करना है, इसको 3D फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो 3D फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे इमेज 3D में आ जाएंगे। तो 3D में यहाँ पे स्क्रॉल कीजिए। स्क्रॉल करने के बाद इसको थोड़ा सा ऐसे फिर थोड़ा मूव कर दीजिए। फिर इसको बड़ा कर लेंगे यहाँ से। अब इसको क्या करना है, थोड़ा इसको ज़्यादा 3D फॉर्म में दिख रहा है, तो इसको हम थोड़ा क्या करेंगे, इसको थोड़ा पतला कर लेंगे। तो यहाँ तो इसको थोड़ा हम पतला कर लेंगे गाइस। अब क्या करना है, हम जब टेक्सचर, अब हम टेक्सचर में फिर जाएंगे यहाँ पे। अब टेक्सचर में फिर चलते हैं, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद टेक्सचर पर जाएंगे। टेक्सचर पर यहाँ पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे मैं जो इमेज यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट के लेके रखा है, तो उसी को हम क्रॉप करके इस पर हम सेट करेंगे। तो यहाँ मैंने लिया है, तो इसको ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद तो इसको हम यहाँ से सेट कर देंगे अच्छे से। अच्छे से सेट करने के बाद जो हमारा लोगो होगा वो बन चुका है। अब क्या करना है, इस पर हम स्टॉक लगाएंगे। तो स्टॉक लगने के बाद और भी क्रिएटिव दिखेगा। यहाँ पे हम स्टॉक यहाँ पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे डन करने के बाद यहाँ पे हम वाइट कलर लगा देंगे। जो हमारा जो टेक्सचर है और जो हमारा पूरा कंप्लीट लोगो बन चुका है। प्लीज़ गाइस, मेरा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नए एडिटिंग के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम।